हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द रेडी शो। आज हम एक तमिल मूवी जो हिंदी में डब्ड है उस मूवी के सीन के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है रोबो और वीडियो का टाइटल है चिट्टी ट्रेन फाइट सीन। मुझे ये ओरिजिनल वीडियो मिला बट सबटाइटल्स नहीं थे एंड शॉर्ट वीडियो था, कंप्लीट वीडियो नहीं था। तो आई चोज दिस पर्टिकुलर वीडियो सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग एंड कंप्लीट वीडियो है इंस्टेड ऑफ हाफ हाफ। तो आई थॉट ओके वी कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते अपने रिएक्शन। एंड इस वीडियो की क्वालिटी भी उतनी नहीं है, मैंने हाईएस्ट रेजोल्यूशन जो भी इस वीडियो में अवेलेबल था 720 पिक्सल उसमें लिया है, बट फिर भी इफ इट्स नॉट टू क्लियर देन आई एम सॉरी। लेट्स जस्ट गो। ए बड़ा 30 मार खाए तू, अब बता। ए क्या घूर रहा है, अब तू कुछ नहीं खींच सकता, सब लकड़ी और पत्थर का है। आजा। ये क्यों बुला रहे है? चुप रहो। ए तू ही लाई थी ना इसे, अब आने को बोल। चिट्टी मेरा पास, उसमें हॉल टिकट आईडी सब कुछ है। एग्जाम के लिए जा रही है क्या? मैग्नेटिक फोर्स है क्या? मेरा होम थिएटर तो तोड़ दिया, अब तेरे होम थिएटर से कितनी आवाज निकलती ये देखता हूँ। That's what I was thinking, इतने लोगों के साथ उसको अकेला छोड़ के क्यों चला गया। बट ओके म्यूजिक भी बहुत एपिक लग रहा है। एक स्टेप के साथ दिल धक धक कर रहा है यार। बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है। वाओ वो रोबोट है यार, उसको तो नहीं लगेगा कुछ भी। ये एडिटिंग अच्छा लगा मुझे, जिस तरह से वो इमेजेस दिख रहे थे ना। ओह नो नॉट एट दिस मोमेंट, नो नो नो। शायद चार्जिंग पोर्ट ढूंढ रहा है क्या, इधर इधर देख रहा है। ओ नो 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 नो, अभी ऐश्वर्य का क्या होगा? नो 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 नो, कम ऑन चिट्टी, कम ऑन गेट अप। ये अभी भी खड़ा है।
ठीक है, एटलीस्ट देयर इज सम होप। फास्ट चार्ज। या बैड मैनर्स, डोंट स्पिट ऑन रोड। ओके राइट ऑन टाइम। बैकग्राउंड स्कोर यार, आई कैन फील दैट हाउ मच पेनफुल माई फील, लाइक साउंड सही लग रहा है कि ओ माई गॉड। और मुझे बीच में जब मैं देख रही थी ना, एक इंसान जो व्हाइट टी शर्ट पहना हुआ था और जैकेट था रेड एंड ब्लैक डिजाइन कुछ था, उस इंसान को ना जब ये चार्ज खत्म होने से पहले पकड़ के पैरों को पकड़ के पूरा उनके सिर, उसके सिर को ऐसा हथियार की तरह यूज करके सबको मारता है। अभी चार्ज होने के बाद जब आके फाइट करे तभी वो इंसान खड़ा हुआ था, लाइक हाउ कैन ही स्टैंड स्टिल, क्योंकि मुझे लगा वो तो मर चुका होगा, ही इज लाइक गॉन। बट सब लोग जिनको पहले मारा था इन्होंने, सब लोग उठ के फाइट कर रहे हैं यार, एटलीस्ट थोड़े लोगों को छोड़ दिया होता। बट एनीवेज लेट्स गो। ओके आज चिटी ने जो किया है ना, वो सुनोगे तो खुशी से पागल हो जाओगे। He is so sweet, amazing, unbelievable, like a superhero. अगर ये इंसान होता ना तो मैं सच कहती हूँ, he'd be the best man. अरे जलस वो टेढ़ा क्यों हुआ? Okay, I know what it's like, जो लास्ट में रजनीकांत सर को दिखाया गया ना, वो शायद साइंटिस्ट है जिन्होंने इस रोबोट चीटी रोबोट को बनाया है, एंड दैट्स वाई ही गेव हिज ओन फेस। एंड शायद ऐश्वर्या जी किसी एग्ज़ाम के लिए जा रही थी, हॉल टिकट के बारे में कुछ बोल रही थी ना, तो इसलिए एंड आई डोंट नो व्हाई चिट्टी वाज विथ हर, माइट बी अकम्पनिंग हर। बट इनका क्या फ्यूड है, जो लोग आए ना रउडीज, पता नहीं उनका पहले कुछ हुआ है, वो बोल रहा था कि होम सिस्टम तोड़ दिया तुमने, पता नहीं कुछ होगा इसके पहले, तो उस गुस्से को निकालने के लिए ये अटैक करता है। बट आई डोंट हैव एनी डाउट्स कि लाइक नॉर्मल अगर हीरोज फाइट करते हैं तो होता है ना, तो यार थोड़ा लॉजिक यूज़ करते हैं, इवन द वी आर इंडियंस वी आर यूज टू दिस काइंड ऑफ फाइट्स, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा लॉजिक यूज़ करते हैं हम लोग हमारे मूवीज़ में, जब भी कोई फाइट्स देखते हैं तो ऐसा कैसा ऐसा कैसा। बट इस मूवी में जिस तरह से फाइट सीन्स कोरियोग्राफी किए गए ना फाइट मास्टर ने, मुझे कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि दिस द पर्सन हु इज़ द मेन कैरेक्टर हु इज़ फाइटिंग वो इंसान नहीं है, तो वो दिमाग में बैठ गया ना, तो किसी तरह का भी फाइट मूव जो भी हो ना, तो उस पर डाउट नहीं आता है। एंड आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज और नॉट एट ऑल डाउटफुल कि कैसे हुआ, कैसे मारा उन्होंने, कैसे जंप किया, वो मुझे डाउट कुछ भी नहीं है, क्योंकि ही इज रोबोट मैन, ही कैन डू एनीथिंग, एंड मशीन्स आर मशीन्स, उनको जितना भी मारा जाए उनको दर्द नहीं होता है, तो दैट्स वाई कितना भी उनको पंचेस मारे तो ही वॉज नॉट फीलिंग इट, तो ही वॉज जस्ट गोइंग ऑन फाइटिंग। बट मुझे ये डाउट है कि इतने सारे लोग इतना मार खाने के बाद भी फिर से कैसे खड़े हो गए यार, वो एक डाउट आया मुझे। बट द फाइट वॉज वेरी वेरी ऑसम, लाइक मुझे कुछ ऐसा ऐसा लग रहा था कि एनिमे देख रही हूँ, कार्टून फाइट देख रही हूँ, बट मोस्ट ऑफ इट आई फेल्ट लाइक वेरी वेरी हैप्पी कि इतना फ्लॉलेस फाइट को दिखाया गया है इन अ बेटर बेटर वे, और आई डोंट नो किस तरह उन्होंने किया है। आई नो इट्स इंक्लूड्स ऑल दोज वीएफएक्स ग्राफिक्स एंड एवरीथिंग, बट जिस तरह से उनका फेस को रजनीकांत सर की तरह दिखाया गया है, द बॉडी मूवमेंट्स,
आई डोंट नो हाउ दे शॉट दिस पर्टिकुलर सीन बट बहुत बढ़िया था यार, जिस तरह उन्होंने पानी में कूदा, यू नो स्कैर करने के बाद कहा है पर्स खोल के कूदा और एकदम से उसको लेके जिस तरह से फिर से वापस उन्होंने जंप करके ट्रैक्स के ऊपर आए एंड उनके बूट से वो यू नो मेटल व्हील्स निकलना और विथ आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी वो यूज़ कर रहे थे, वो खींच रहे थे अपना जो भी मैग्नेटिक फोर्स है वो यूज़ कर रहे थे ट्रैक्स के साथ स्पीडली जाने के लिए एंड ही कॉट अप विद द ट्रेन। मुझे अच्छा लगा यार जिस तरह से वो जंप करके आ रहे थे ट्रेन के साथ एंड ये भी अच्छा लगा कि कोई स्पिट कर रहा था तो उनके मुंह के ऊपर यू नो स्टेप करके उन्होंने निकला बिकॉज इट्स नॉट गुड टू स्पिट एनीवेयर और एवरीवे। आई थिंक वो एक लेसन भी है इस सीन में। अच्छा लगा और लास्ट में मुझे जब वो बैटरी लो बोल के मैसेज दिखाना, ओ माई गॉड आई थॉट अब कहाँ जाएगा लाइक सस्पेंस रखा इन्होंने कि बैटरी लोने के बाद क्या होगा, थ्रिलिंग, थोड़ा एंग्जाइटी भी फील हो रही थी क्या होगा ऐश्वर्या का, बट थैंकफुली वो ही कॉट अप विद दैट लाइक ट्रैक्स के पास जहाँ वो ट्रेन को सप्लाई करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए जो बॉक्स होते हैं ना तो उन उसके पास ही वो गिरे थे लकीली तो आसानी से उन्होंने निकाला और अपने आप को चार्ज किया और इतना चार्ज हुआ आई थिंक 100% से ज़्यादा चार्ज हुआ वो मशीन उनका बॉडी का एंड ही लाइक जो पहले फाइट कर रहे थे ना उससे ज़्यादा एंथुसियाज्मली फाइट किया उन्होंने, बहुत ही बढ़िया लगाया। अच्छा लगा, आप लोग बताएं आपको कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेज दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।